अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गार्डनिंग में दिवा। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं आज कहाँ आई हूँ। आज मैं आपको नर्सरी दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फूल लगे हुए हैं, चेक कर सकते हैं आप खूबसूरती फूलों की। ये लगे हुए हैं, ये डमडम लगा हुआ है यहाँ पर, और ये अनार का पेड़ है। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे इसके फूल लग रहे हैं, इतने प्यारे और हसीन इसके फूल लग रहे हैं छोटे छोटे से। और ये एक क्यारी टाइप की इन्होंने बनाई हुई है, आपको दिखा देती हूँ। नारियल के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये तुलसी लगा हुआ है यहाँ पे, और उसके अलावा ये भी कोई फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, चेक कर सकते हैं आप लोग, अच्छे लग रहे हैं। एक बंच बना हुआ है फूलों का। पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, गुलाब भी लगा हुआ था, लेकिन अभी ये है कि अब यहाँ पे बहुत कम कर दिए हैं फूल, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, एक लॉन ये बना हुआ है, इसके अंदर भी अच्छी सी ग्रास हुई हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर जाके यहाँ पर क्या है। सिटिंग का भी यहाँ पर चेयर रखी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसका गेट है, लुक बनाया हुआ है ये इसका। हवा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपको शायद मेरी आवाज़ आ रही हो। और ये एक सिंपल सा यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है, ये चेक कर सकते हैं आप। नारियल के यहाँ पे दरख्त हैं तो ये अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। एक गार्डन ये है और एक गार्डन ये वाला बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ पे ग्रीनरी चेक कर सकते हैं, ग्रीनरी कितनी प्यारी है। यहाँ पर बैठ सकते हैं यहाँ पर हम। और ये अब आपको ये वाला एंट्रेंस दिखाते हैं, एक ये वाली एंट्रेंस है। आप ये देखें, पेड़ पत्ते चेक करें, इसके पत्ते कितने प्यारे प्यारे हैं। और इसके अंदर एक ना फूल भी है, ये देखें, इसमें पिंक कलर के भी फूल निकले हैं, तो आप ये अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। और मेरे साथ और भी, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है और इसके अंदर आप फूल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल बंच की शक्ल में इसमें फूल आए हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ यहाँ पर आके, ये चेक करें क्या हसीन ये लग रहा है, इतने प्यारे ये लग रहे हैं, इतने खूबसूरत। धूप की वजह से शायद ये और ज़्यादा सही नहीं नज़र आ रहे हो, वरना आप ये चेक कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रोज़ हो, पिंक रोज़ की तरह लग रहा है, लेकिन ये रोज़ है नहीं, कोई और सा पेड़ है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। कुछ मुरझाए हुए भी हैं और कुछ ऐसे बंच की शक्ल में भी हैं, चेक कर सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये पूरा पेड़। और इसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक एक क्यारी टाइप की बनाई हुई है, जिसमें यहाँ पर आपको डिफरेंट पेड़ यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, लगे हुए हैं अंदर की तरफ भी लगे हुए हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। ये देखें, व्यू चेक कर सकते हैं रात के टाइम जब यहाँ पर आओ, ये कितना प्यारा लग रहा है, डमडम का है ये, इतने प्यारे हसीन लग रहे हैं, आप ये चेक कर सकते हैं रात के टाइम जब आओ यहाँ पे। तो जो लैंप लगे हुए, इसमें लाइटें जल रही थी, जल तो अभी भी रही हैं, लेकिन वो अभी रोशनी की वजह से नज़र नहीं आ रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए, मैं यहाँ पे चल रही हूँ, इतना मज़ा आता है यहाँ पे चलने में। और यहाँ पे ये मोतिया भी लगा हुआ है, लेकिन मोतियों में ना अभी वो है नहीं, क्या कहते हैं, फूल नहीं आए हुए, वरना इसकी हाँ कलियाँ हैं, आप इसमें कलियाँ देख सकते हैं, ये इसकी बारीक बारीक सी कलियाँ, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं निकले हुए, वरना इसके अंदर फूल भी होते हैं। और आप ये देख सकते हैं पेड़ वगैरह यहाँ मुख्तलिफ़ लगे हुए हैं, अनार का भी लगा हुआ है, लेकिन शायद अनार का मौसम भी नहीं है तो इसलिए उसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। शाम के टाइम में बंदा इसी जगह पर आके बैठे, इतना हसीन लग रहा होता है, चेक। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, अभी चीकू का पेड़ लगा हुआ है और उसमें चीकू भी लगे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चीकू का पेड़ है, आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको, इसके अंदर चीकू भी लगे हुए हैं। ये देखिए, बारीक बारीक से जगह जगह आप पूरे पेड़ पे इसमें चीकू ही चीकू लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यही है कि मैं आपको इसी ग्राउंड में दिखाती हूँ जो इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है प्यारा सा। तो यहाँ पर अभी मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। या आप चेक कर सकते हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये कितने बारीक है, आप ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पर घास देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और ये किसी चीज़ का लगा हुआ है, ये बादाम का है, जिसमें जब वो बादाम निकलते हैं ना लाल वाले, और आप ये बारीक बारीक से यहाँ पे पत्ते देख सकते हैं कितने प्यारे हैं।
और ये देख चेक करें आप, एलोवेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन लग वो बहुत प्यारा रहा है, तो मैंने कहा लाओ मैं आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करूँ। ये पत्ते हैं यहाँ पे, और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ की ग्रीनरी, तुलसी लगी हुई है यहाँ पे, मतलब बहुत कोई अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। ये अमरूद का पेड़ है, इसमें अमरूद होते भी हैं लेकिन ना अभी है नहीं, वरना इसमें अमरूद आते हैं, अगर छोटे बहुत होंगे ना, थोड़े बहुत भी नज़र आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना छोटा सा कच्चा अमरूद लगा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको? धूप से नज़र नहीं आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, बल्कि ये वाला देख लें, ये देखें, ये एक ये लगा हुआ कच्चा सा अमरूद लगा हुआ है यहाँ पे, ये अमरूद का पेड़ है और इसमें कच्चे कच्चे छोटे छोटे से अमरूद लगे हुए हैं, कुछ फूल वाले लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये सदाबहार लगा हुआ है, चेक करें इतना प्यारे लग रहे हैं, नहीं ग्रीन ग्रीन इसकी पत्तियाँ हैं माशाल्लाह से, इतना कोई हसीन लग रहा है। और ये भी कोई है, इसमें फूल तो नहीं निकले हुए लेकिन ये किसी ना किसी चीज़ का है। और यहाँ पर आप ये देखें, ये है गुलाब का, और यहाँ पर निकलते हैं रेड गुलाब, आप चेक कर सकते हैं। ये माशाल्लाह पेड़ तो बहुत बड़ा है, कांटे भी चुभ रहे हैं मेरे हाथ में, लेकिन ना इसमें अभी फूल नहीं निकला हुआ, तो अभी अगर फूल निकला हुआ होता तो मैं आपको दिखा देती, लेकिन इसके अंदर है नहीं अभी फूल, आप चेक कर सकते हैं। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? My heart's more than a toy.